इंटरनेट और डिजिटल मीडिया, नए युग की मीडिया। कंप्यूटर का एक प्रभाव यह रहा कि उससे किसी भी सूचना, चाहे वह शब्द हो या आवाज़ या चित्र या चलचित्र, सभी को डिजिट या अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे हर प्रकार की जानकारी को संचित करना और एक जगह से दूसरी जगह भेजना अत्यंत सरल और त्वरित हो गया है। सूचना प्रसारण को और तेज और विश्वव्यापी बनाने में उपग्रहों का काफ़ी महत्व रहा है। कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इस प्रसारण के आधार हैं। यह वास्तव में मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव है। लोग न केवल चीज़ों को देख या सुन या पढ़ सकते हैं, बल्कि उन्हें बदल भी सकते हैं, जिस कारण संक्रियात्मक मीडिया जैसे वीडियो गेम का विकास हुआ। डिजिटल क्रांति का एक प्रभाव यह हुआ कि कंप्यूटर, फ़ोन और टीवी का एकीकरण हुआ, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में। इसका एक प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति की भूमिका अब बढ़ने लगी है। जहां व्यक्ति एक मूक ग्राहक रहा, वहीं वह सक्रिय भागीदार बन सकता है। वह क्या देखना चाहता है या पढ़ना चाहता है, क्या जानकारी पाना चाहता है, उसे वह अपने द्वारा निर्मित समय में देख सकता है। वह अपने विचार और चित्रों को प्रसारित कर सकता है। यह संभव हुआ इंटरनेट के द्वारा, जो कि डिजिटल क्रांति का ही एक पक्ष है। इंटरनेट वास्तव में विश्व के सभी कंप्यूटरों व फ़ोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह कार्य 1990 के बाद तीव्र गति से हुआ। इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के चलते आज हर व्यक्ति पूरे विश्व से जुड़ सकता है और दुनिया भर की जानकारी, मनोरंजन के साधन और लोगों से संपर्क पा सकता है। ये केवल मनोरंजन और जानकारी के स्रोत न होकर खरीद फरोख्त जैसे आर्थिक क्रियाकलाप, बैंकिंग का मुख्य साधन बन गए हैं। आज कंपनियां त्वरित ही करोड़ों रुपए विश्व के किसी भी देश में निवेश कर सकती है या बाहर निकाल सकती है। इसी तरह ये साधन विश्व में लोगों को जोड़ने व आपसी संवाद और कार्यवाही के माध्यम बन गए हैं। लोग जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं, उनसे संवाद और विवाद तथा उनसे मिलकर कार्य योजना बना सकते हैं। ये आजकल जन आंदोलन में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। साथ ही हर व्यक्ति के विभिन्न क्रियाकलापों पर निजी कंपनियां व सरकारें नज़र रख सकती हैं और इस जानकारी का उपयोग और दुरुपयोग भी कर सकती हैं। इंटरनेट का इतना गहरा प्रभाव रहा है कि समाजशास्त्री अभी भी उसके असर का अध्ययन कर रहे हैं और उसके विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास कर रहे हैं।